हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक WHO टूल के बारे में जिसका नाम है अवेयर। वैसे तो ये एक एक्रोनिम है, इसके फुल फॉर्म हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे वर्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे बेसिकली एंटीबायोटिक्स की बात की गई है कि हमें एंटीबायोटिक्स बहुत ही ध्यान से खानी चाहिए, तो इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। WHO टूल है, सेफ यूज़ कैसे हमने एंटीबायोटिक्स का करना है। ये हमारा चैनल StudyIQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और अगर आप UPSC CSE 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे 100% सिलेबस कवर किया गया है। डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, और ये कोर्स टॉप फैकल्टीज द्वारा बनाया गया है, और अब आप इस कोर्स को मंथली भी ले सकते हैं एट ₹625 ओनली। अब इस टॉपिक का रेलेवेंस आपके एग्जाम में कहाँ पे है, तो देखिए मेंस पेपर 2 में हेल्थ एंड एजुकेशन में ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये टूल क्या है, WHO क्या है, इसके द्वारा क्यों बनाया गया है। सब्जेक्टिव लेवल पे आपको माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है ये क्या है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, या फिर वीडियो अपडेट्स के लिए भी। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्यों है कि WHO ने एक ग्लोबल पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक कैंपेन जो है वो शुरू की है। WHO आपको पता ही है क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा WHO का बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। एक ये स्पेशल एजेंसी है, किसने शुरू की है, यूनाइटेड नेशंस ने। और ये जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ है, पूरी दुनिया में जो लोगों की हेल्थ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में गाइडलाइंस देता रहता है और कंसर्न रहता है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। 1948 से ये फंक्शन में आ गया था, और अब जब इसका जो ओरिजिन है ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और अब हम 7 अप्रैल को हर साल इस डेट को वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह मनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार इस तरह के मैच द फॉलोइंग आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब WHO में एक आती है आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ओके, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। WHO में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा लिए जाते हैं, और ये असेंबली हर साल एनुअली जो है मिलती है, और इसकी डेलीगेशन जो पूरी मेंबर स्टेट्स हैं, 194 मेंबर स्टेट्स हैं, वहाँ पे इसके डेलीगेट्स जाते रहते हैं। और रिसेंटली अगर आपको पता होगा, एक हाई लेवल समिट जो है वो दिल्ली में भी हुआ था, डिजिटल हेल्थ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट था। तो चलिए अब हम आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं, अवेयर। ये तो मैं आपको WHO के बारे में बता रही थी। तो ये ग्लोबल कैंपेन जो इस बार अवेयर शुरू की गई है, ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट की गई है, और यहाँ पे जो अवेयर है ये एक ऑनलाइन टूल है। तो देखिए, इस कैंपेन के अंदर यहाँ पे हम 60% इंक्रीज करना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़, लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर। तो यहाँ पे आपको नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फ़र्क मालूम होना चाहिए। देखिए, नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि जो दवाई, एंटीबायोटिक जो दवाई हम लेंगे वो स्पेसिफिक किसी एक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करेगी। फॉर एग्जांपल, हम इसको एक नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारी बॉडी में ये राउंड बैक्टीरिया जो हैं इन्होंने अटैक किया है, लेकिन अब हमारी बॉडी में कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, जो शायद ट्रायंगुलर शेप में हैं, स्टार शेप में हैं, स्क्वायर शेप में हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगी वो क्या करेगी, चाहे हमें सिर्फ राउंड बैक्टीरिया ने अटैक किया है, अगर हम इसको खाएंगे तो ये सारे बैक्टीरिया को मारेगी। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को नुकसान होगा। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम का क्या बेनिफिट है, ये स्पेसिफिक होगी। अगर हमें राउंड बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो ये इसी के अगेंस्ट एक्शन दिखाएगी। तो नैरो स्पेक्ट्रम हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इससे रेजिस्टेंस का रिस्क कम रहता है। अब देखिए, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैं आपको आगे भी बताऊंगी। यहाँ पे ये क्या होगा कि अगर बार बार हम इस तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम बॉडी को देते रहेंगे तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये इवॉल्व हो जाएंगे, ये समझदार हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि भाई आप बार बार मुझे यही दवाई दे रहे हैं, अब आप मुझे नहीं मार पाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे कि एंटीबायोटिक्स का कोई असर इन पे नहीं होगा। इसलिए इस ऑनलाइन टूल के अंदर हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं 60%। अब देखिए, ये जो टूल है अवेयर, इसको किसने डेवलप किया है, WHO एसेंशियल मेडिसिंस लिस्ट ने, और इनका मेन एम यही है कि हमने एंटीबायोटिक यूज़ को सेफ बनाना है और लोगों में अवेयरनेस देनी है कि हमें किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का, और पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए भी। अब देखिए, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक्सेस, एक्सेस का क्या मतलब है,
कि वो एंटीबायोटिक्स इसमें आएंगी जिनको हम बहुत ही कॉमन और सीरियस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में मदद मिलती है। वॉच वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो हर समय किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद रहती हैं। रिजर्व ये वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जिनको सिर्फ बहुत ही सीरियस केस में हमें देना है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है उस टाइम हमने इस एंटीबायोटिक का यूज़ करना है, राइट? तो इस तरह से तीन कैटेगरीज में यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को डिवाइड किया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे आप मतलब समझ रहे होंगे आपका, क्योंकि अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक सबसे पहले दे देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो इंसान अगर बीमार होगा तो उस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, क्योंकि उसके बॉडी का बैक्टीरिया समझदार हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझदार हो जाएंगे कि भाई आप मुझे बार बार ये वाली मेडिसिन दे रहे हैं तो अब वो फाइट करेगा, राइट? तो यहाँ पे इसलिए एक्सेस वॉच रिजर्व कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्या है? यही कि इससे पेशेंट्स की हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ इम्प्रूव होगी और हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स को भी आसानी होगी कि किस समय पे हमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, यानी राइट टाइम पे राइट एंटीबायोटिक देनी है ताकि जो एंटीबायोटिक्स एंडेंजर्ड हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकें और माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से भी जो ह्यूमंस हैं उनको हम बचा सकें। अब बार बार हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, तो देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अब एक इनविजिबल पैंडेमिक की तरह फैलता जा रहा है। इतनी सारी इन्फेक्शंस आज हो गई हैं जिनके लिए हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है जिनसे हम उनको ट्रीट कर सकें, और इस वजह से पूरी दुनिया में जो 50 मिलियन लोग हैं ऑलमोस्ट वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इसकी वजह से मर जाते हैं पूरी दुनिया में, और 10 मिलियन जो है इंडिया में ही ऐसा माना जा रहा है 2050 तक लोगों की मृत्यु हो जाएगी इस प्रॉब्लम की वजह से। एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के द्वारा, उन्होंने भी यही बोला कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन रही है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ी थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और ये जिस तरह से मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है वैसे ही ये प्रॉब्लम भी एस्केलेट हो रही है, हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि बहुत सारे देशों में 50% से ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको ऐसे ही लोग इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं किसी भी वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दे देंगे एंटीबायोटिक जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। आपने भी देखा होगा घर में हम कभी बीमार होते हैं या हमारे घर वाले, तो पहले डॉक्टर को नहीं दिखाते, पहले हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, शायद वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हो, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है तो आप उसको बता सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, राइट, इनका रेजिस्टेंस ये पैदा हो जाता है कि इन पे कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती, तो फिर हम ट्रीटमेंट जो है ह्यूमंस का वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर पूछे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कौन हो जाता है, तो यहाँ पे ह्यूमंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं हो जाते, जो हमारे माइक्रोब्स हैं बॉडी में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब देख ली इस वजह से हमारे क्या कॉन्सर्न्स निकल के सामने आते हैं कि जितना भी हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जैसे आपका एसिनोबैक्टर हो गया, ईकोलाई हो गया, क्लेब्सिला निमोनिया हो गया, राइट, ये आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो रहे हैं, और ये वो बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही कॉमनली हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, और इनकी वजह से निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस और अलग अलग तरह की इन्फेक्शन सर्जिकल साइट्स पे वो हो जाती हैं, और 100 countries ऑलमोस्ट हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्लान लेके आई है कि हमने माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कैसे रोकना है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1/5 प्लान्स ही हैं जिनको फंडिंग मिलती है और जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। देखिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम ये बढ़ती गई तो जो मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, फिर बहुत ही महंगी दवाइयाँ आएंगी और लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो मैंने बात की, देखिए बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं, एक आता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बेसिकली हम लैब में इसको स्टेन्स के साथ चेक करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जब हम उसको स्टेन करते हैं तो वो पर्पल कलर के हमको दिखते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंकिश या
रेड कलर के दिखते हैं। और ग्राम नेगेटिव हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि आपने ई कोलाई का नाम सुना होगा जिसको हम एस्ट्रीचिया कोलाई बोलते हैं, और वो एक मेन कॉज है जितनी भी हमारी फूड बॉर्न डिजीजेज होती हैं, या फिर आपका विब्रियो कॉलरा है, ये भी बैक्टीरिया है जो कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर बॉर्न पैथोजन है ये। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और भी खतरनाक है क्योंकि इनकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, और जिस तरह से निमोनिया हो गया या फिर आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होगी लाइक गनोरिया हो गया, इनकी वजह से ये भी फैलती हैं। इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स बहुत ही ध्यान से यूज़ करनी चाहिए। अगर हम नीड ऑफ द आर की बात करें कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से, अगर सपोज जो माइक्रोब है वो रेजिस्टेंट हो गया कि बार बार हमको हम उसको ये कैप्सूल दे रहे हैं, ये दवाई दे रहे हैं, अब ये दवाई इस पर असर नहीं कर रही, तो ये एक ह्यूमन बॉडी में है, जब ये इन्फेक्शन दूसरे ह्यूमन को होगी तो ये बैक्टीरिया फिर से रेजिस्टेंट इवॉल्व हो चुका है, फिर यही बैक्टीरिया ह्यूमन दूसरे ह्यूमन में फैलेगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ह्यूमन की नहीं है, पूरी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, राइट? तो नीड ऑफ द आर यही है कि ये जो इमरजेंस है, इन्फेक्शंस इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हम दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करें, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन पूरी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो जो हमारी मेन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं, हम उनको लास्ट लाइन एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, उनको तब तक ना लें जब तक कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें, उनको सिर्फ हम सीरियस इन्फेक्शंस के लिए ही बचा के रखें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये पूरी पॉपुलेशन को हानि पहुँचा सकते हैं। तो यही पूरी कैंपेन है इनकी अवेयर। अगर इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप अब आप आंसर कर पाएंगे कि एंटीबायोटिक्स हमें क्यों ध्यान से खानी चाहिए। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू।